पंजाब में 4 फरवरी को वोटिंग होनी है। पंजाब मतदान के लिए पूरी तरह से तैयार है। पंजाब के हर गांव, हर शहर में जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की इलेक्शन वैन पहुंचेगी और ग्राउंड जीरो से जानेगी क्या है पंजाब के मुद्दे, क्या सोचता है पंजाब का वोटर, नई सरकार से क्या है पंजाब की उम्मीदें। इसी कड़ी में जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की इलेक्शन वैन समाना पहुंची है और बातचीत के लिए साथ हैं शिरोमणि अकाली दल के नेता सुरजीत सिंह रखड़ा। अगर मुद्दों की बात करें, समाना में क्या मुद्दे हैं, क्या इश्यूज हैं आप लोगों के, आम जनता के? सर बस साडा जिहड़ा विकास होना चाहिए ही, अकाली दल सरकार तो लोगों ने उम्मीद लाई सी जी, उहदे प्रोपर कोई काम नहीं होया। अकाली दल सरकार आई वार पंथ के नाम से वोटा मंगती रही जी, पर एक साल के 186 वारदात हुई गुरु ग्रंथ साहब के नाल, इन्होंने हजे तक वो हथियारे नहीं फड़े गए जी। आलमगीर दे विच 2 नौजवानों ने एक हथियारे नूं मारिया ते 10-12 दे परचा करके अंदर करता जी। रखड़ा साहब जदों मौजूदा पंचायत मंत्री बने जी, साडे मेरे पिंड दे ढेंठल दे सरपंच सरदार चरमल सिंह, बिजलपुर दे सरपंच, काकड़े दे सरपंच, बहुत आप कह रहे हैं कि बेअदबी का मामला है, और क्या मुद्दे हैं आपके आम जनता के, जो अगर बात करें समाना की बात करें, पंजाब की बात करें, जो आप अपने जो उम्मीदवार हैं उनके सामने रखना चाहेंगे, जो नहीं हुए और आगे जो आपके उम्मीदवार हैं आपके लिए समाना के लिए वो करें? सर सरकारी हॉस्पिटल्स में जो है लोगों के लिए सुविधाएं नहीं है, कुछ भी नहीं होता, डॉक्टर्स की कमी है, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, और कब तक ये जो गरीब लोग हैं सरकारी एजुकेशन का मिलती है, वहाँ पे टीचर्स नहीं है, टीचर्स को सर्वे पर भेज देते हैं, 70 साल हो गए सड़कें नहीं बनी, कहाँ विकास हुआ हर बार। लेकिन सरकार कहती है कि पिछले 10 साल में जितना विकास हुआ, जितनी सड़कें बनी हैं, उतना पहले कभी नहीं हुआ। नहीं नहीं, विकास तो हुआ ही नहीं जी, पर्चे जरूर किते ने मंत्री साहब ने, विकास कोई नहीं होया। रोजगार की उम्मीद, आप बताइए आपको क्या लगता है कि जो आप यहाँ से उम्मीदवार हैं आपको क्या उम्मीद है उनसे, क्या मुद्दे हैं आपके? आप काम करने चाहिए ने जी विकास दे, जो पिंड दी गलियां नालियां ने जी, पानी का निकास होना चाहिए जी। आप बताइए। यही है जी, साढ़े इतने कोई सरकारी कॉलेज नहीं है, कोई लड़कियों वास्ते या कोई लड़कियों वास्ते पटियाले उन्होंने जाना पैंदा, पात्रा तक कोई सरकारी कॉलेज नहीं है। एक बहुत वड्डी मंग है, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ने गए तो ही कोई नौकरी मिलेगी, सरकारी कॉलेज की बहुत वड्डी मंग है जो पूरी होनी चाहिए सर।